यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। तो डर बुरा नहीं है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से डर को हम खत्म करें। मैंने कहा अगर डर आपके अंदर से खत्म हो गया तो आप भी खत्म हो जाओगे। यहां पर किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजिकल फियर्स, आपकी अपनी कुछ इमेजिनेशन है उससे आप डर रहे। तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पानी का डर है, डूबने का डर है, तो शुरुआत करो ना कम गहरे पानी से। गहरे पानी से दूर रहो, कोई बात नहीं, बट उसको फेस करो। आप सिर्फ तैरना नहीं सीखोगे, आपको लग रहा है आपको सिर्फ पानी में तैरना आ रहा है, अरे ना भाई, आपको जिंदगी में तैरना आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर अपने डर को कॉन्कर किया, फ्यूचर में भी अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा कि अपने डर को कॉन्कर कैसे करना है। मतलब अगर दूसरे वे में बोला जाए कि अगर आप लाइफ में एक्चुअल में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहते हो तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, कि मेरी फीलिंग्स ये कह रही है मत कर, लेकिन मेरी इच्छा है इसको करने की। तो उस इच्छा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो हावी हो जाए आपकी सारे के सारे डर के ऊपर, उस डर के बावजूद भी आप वो कर पाओ। जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को एज इट इज देखना है, उस प्रॉब्लम के साथ में एक हो जाना है। जैसे पानी जिस रंग में डालते हैं उसी रंग में एक हो जाता है। कि पानी अगर अपने पे आ जाए, जैसे कि सुनामी आती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उसके आगे नहीं टिक पाती। और ऐसी ऐसी जगहें होती है जहां से कि निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वहां से पानी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट। इनफैक्ट लाइफ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज, बदलाव। यही कांस्टेंट है, बदलाव ही नहीं बदलता है बाकी सब कुछ बदलता है। यही प्रकृति का नियम है, जब भी कुछ बदलता है तो कुछ मरता है तभी कुछ पैदा होता है। जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। तो रोना क्यों है कि वो मर गया है? अरे कुछ नया भी तो पैदा हुआ है उसके साथ में, उसको तो देखो। तो जब मार्केट चेंज होती है, जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, जब टाइम चेंज होता है, उससे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम में हमको मिल नहीं सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। जो लीडर्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ बदलते नहीं है, वो टाइम को बदलते हैं। दूसरे जो फॉलोअर्स होंगे, फॉलोअर्स रो रहे होंगे, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इनोवेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? पहले मार्केट की जो नीड है, जो भी प्रॉब्लम है, जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना, जो मार्केट नीड है उसको समझ करके एक्ट करना इज इनोवेशन। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है। तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें? टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। और जो बंदा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करेगा जिस भी काम को वो कर रहा है उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास। एज सिंपल एज दैट। क्यों कहा जा रहा है ये? देखो क्या कमाल की बात इन्होंने कही है। क्यों एजुकेशन में लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो फैक्ट्स हैं या जो नॉलेज है वो तो एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। और जितनी मेमोरी इसके अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज एक मोबाइल के अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज गूगल में फीडेड है, क्या उतनी नॉलेज हम अपनी ब्रेन में फीड कर सकते हैं? तो हमारी ब्रेन, अगर हम एजुकेशन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कि फैक्ट्स को यहां पर फीड कर दिया जाए, तो हमारी ब्रेन इससे बहुत पीछे ही रहेगी, चाहे हम जितना मर्जी डेवलप कर लें, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा है जो रोबोट नहीं कर सकता, जो हम ही कर सकते हैं, दैट इज रियल इंटेलिजेंस, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज रियल एजुकेशन बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। इंसान के पास में एक पावर है जो जानवरों के पास में नहीं है, वो पावर क्या है? द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ लर्निंग। कि इंसान सीख सकता है, दूसरों की गलतियों से भी सीख सकता है और दूसरों ने जो सही किया उससे भी सीख सकता है, तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो अगर इंसान ये ही ना करे और खुद ही पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रहे, ये उसकी गलती है। बच्चों को ये सिखाया जाए कि सोचते कैसे हैं, और सोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसी भी प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है? सोच करके निकलता है।
हम अपने लिए एक नया फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, बेस्ड अपॉन द नॉलेज दैट वी हैव। उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी इमेजिनेशन को सच कर सकते। आज हमारे पास में नॉलेज है कि सुई कैसे बनानी है, एरोप्लेन कैसे बनाना है। वी हैव नॉलेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ रनिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग इट। बट एक टाइम पे वो सब क्या था? वो इमेजिनेशन। कुछ भी नया डिस्कवर करना है तो यू नीड इमेजिनेशन। जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको, सोच करके उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल सको जो गूगल नहीं निकाल सकता है, तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जो बात कही जा रही है ना, ये कोई ऐसा बंदा बोल सकता है जिसने बहुत बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया। नहीं तो ज्यादातर लोग ये ऊपर ऊपर लेवल से तो बोल सकते हैं बट डीपली नहीं बोल सकते। तो अब इस तरह की जो इनकी थिंकिंग है, इसका फायदा क्या है? हमको ये विश्वास होगा कि अभी मेरे साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। सोचा था ये करके कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि पास में भी ऐसा मेरे साथ लाइफ में कई बार हुआ है। सोचा था फॉर एग्जाम्पल कि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आएगा अच्छा हुआ नहीं हुआ, कि वो जो मैंने किया वो बेवजह नहीं था, वो बेकार नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। तो इनसे हमको ये सीखना है, ये इंस्पिरेशन लेनी है कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बस रोते नहीं रहना है, जैसा हम करते हैं ज्यादातर, कि अपने दुखड़े नहीं रोते रहना। क्या रो रहे हो बैठे बैठे? उठो, मतलब कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले गए, आलसी हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे ग्रो नहीं कर रहे। इनफैक्ट किसी का भी आप एग्जाम्पल उठा करके देख लो जो बिल्कुल ही एक नीचे के लेवल से उठ करके पता नहीं कहां किस लेवल पे गया है। फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी। कोई भी आदमी अमीर या गरीब बाद में होता है बाहर की दुनिया में, पहले वो अंदर अमीर या गरीब होता है। यानी पहले वो सोच के लेवल पर अमीर हुए, बाद में बाहर अमीर हुए। ऐसा ही सबके साथ होता है। पहले हम अंदर से अमीर होते हैं, बाद में बाहर अमीर होते हैं। तो अगर इस तरह से आदमी सोचता है तो इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे दिन निकलते हैं तो एक एक दिन को मिलाकर के ही लाइफ बनती है, नहीं तो लाइफ कहां है? जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल इसी तरह से एक एक दिन को मिलाकर के ही तो आप कह सकते हो कि लाइफ अच्छी है बुरी है।